इस ऐतिहासिक संघर्ष दिवस की सफलता पर समस्त देशवासियों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए हरियाणा जनता दल अध्यक्ष, युवकों की प्रेरणा एवं संसद सदस्य चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, उपस्थित बुजुर्गों, माताओं बहनों, नौजवान साथियों और इस कृषि प्रधान देश के उज्जवल भविष्य की बच्चों, मैं आदरणीय चौधरी देवीलाल जी के और आपके मध्य में हाजिर रह करके वो जो आपको दिशा निर्देश दें और जिस उत्सुकता से लगातार 5 घंटे तक इस कड़कती हुई धूप में आप बैठे हुए हो, मैं बाधक बनना पसंद नहीं करूंगा, मैं भाषण नहीं देना चाहूंगा, बल्कि मैं सर्वप्रथम आदरणीय चौधरी देवीलाल जी का इस बात के लिए धन्यवाद करूंगा कि आखिरकार विपक्ष के सभी लोगों के उस आग्रह को उन्होंने मान करके आज के इस पवित्र दिवस को संघर्ष दिवस के रूप में मनाने के लिए उन्होंने हामी भरी। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। मैं इसके बाद मंच पर विराजमान इन सभी राष्ट्र के महान नेताओं का, जो उज्जवल भारत भविष्य की कामना करते हुए देश को एक दिशा देने जा रहे हैं, और मैं दावे के साथ एक बात कहने जा रहा हूं, वो दिन दूर नहीं जब भारत की मौजूदा राजनीति में परिवर्तन आएगा। आज जो लोग मंच पर विराजमान है वो कल सत्ता पर बन करके बैठेंगे, और जो लोग आज सत्ता में बैठे हुए हैं और जो इस देश के मेहनतकश लोगों की खून पसीने की कमाई पर डाका डाल करके इस देश की संपत्ति को विदेशी बैंकों में जो जमा करा रहे हैं, उन आर्थिक अपराधियों को जेल के सींकचों के पीछे भी बंद होना पड़ेगा। मैं आभार व्यक्त करता हूं इन महान नेताओं का, जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय खर्च करके यहां पर आकर के आप सब लोगों का हौसला बढ़ाया। मैं आभार व्यक्त करूंगा इस समागम के उन सभी आयोजकों का, श्री मुलायम सिंह जी का और दूसरे कार्यकर्ताओं का, जिन्होंने लगातार परिश्रम करके भारतवर्ष का सही नक्शा हिंदुस्तान की बोट क्लब पर एकत्रित करके आज केरला से, तमिलनाडु से, मध्य प्रदेश से, उड़ीसा से, राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश, सभी ही प्रदेश के लोग आज लाखों की संख्या में, जिन्होंने इस दिल्ली के ऐतिहासिक बोट क्लब पर एकत्रित करके हम सबका आपस में समन्वय स्थापित किया, देश और प्रदेश के नाम पर अखंडता का नारा देने वाले उस राजीव गांधी के मुंह पर एक करारी चपत मारी, जो देश तोड़ने का काम करता जा रहा है। मैं उन सभी कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करूंगा जिन्होंने लगातार 22 दिन तक अनथक परिश्रम करके देश में एक नया नक्शा कायम करने की कोशिश की। और मैं आभार व्यक्त करूंगा जनता दल के उन स्वयं सेवकों का, जिन्हें ग्रीन ब्रिगेड की संज्ञा दी जाती है, जिन्होंने इस सारे आयोजन को पूरी तरह से, अच्छी तरह से अनुशासन में रख करके शांति प्रिय ढंग से लगातार 5 घंटे तक इस सारी कार्रवाई को चलाने में अहम भूमिका निभाई है। मैं धन्यवाद करूंगा भारतवर्ष के इन लखों का मेहनतकशों का, जो कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक और राजस्थान के उन टीलों से लेकर के हिमालय की चोटियों तक बसने वाले सभी लोग जो आप यहाँ एकत्रित हैं, और जिन्होंने ये आदरणीय नेताओं के उस कथन को स्वीकार करके चौधरी देवीलाल जी के संघर्षमय जीवन से प्रेरणा लेकर के इस देश की राजनीति में परिवर्तन लाने का संकल्प लेने के लिए जो आप उपस्थित हुए हैं, मैं आप सब लोगों का आभार इसलिए भी व्यक्त करूंगा
प्रेस के भाई भारी संख्या में बैठे हुए हैं, ये जितने लोग यहाँ पर एकत्रित हैं, ये सब अपने साधनों से आए हैं, पैदल चल करके आए हैं, साइकिलों पे चल करके आए हैं, ट्रैक्टर ट्रालियों में बैठ करके आए हैं, रेलों में बैठ करके आए हैं। इन्हें लाने का काम जिस प्रकार से केंद्र की कांग्रेस पार्टी की सरकार किया करती है, इस प्रकार का काम नहीं। और ये मेरे कहने की जरूरत नहीं, मैं दावे के साथ एक बात कहने जा रहा हूँ, ये विश्व की विशालतम रैली है। सुनने में आया है कि कभी चीन में माओ ने एक रैली की थी जिसकी संख्या 7 लाख थी, और मुझे याद है सन 1978 में स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह के पवित्र जन्म दिवस को जब हमने किसान दिवस के रूप में मनाया था, 25 लाख की संख्या में लोग एकत्रित थे। आज अपना रिकॉर्ड हम स्वयं तोड़ने जा रहे हैं। आज की ये सभा उन दोनों सभाओं से विशाल है और विश्व के इतिहास में एक लामिसाल रैली है। मैं प्रेस के साथियों से एक बात कहना चाहूँगा कि दिल्ली के उस स्टेडियम तक आपको इंसानी सर दिखाई देंगे, तिल फेंकोगे जमीन पे नहीं पड़ेगा। किस अनुशासित ढंग से आज लोग बैठे हुए हैं, मैं इस सब के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। और मैं आपसे केवल एक बात कहने चाहूँगा, मेहनत कष्ट कमेरे वर्ग के लोगों से मैं केवल एक अनुरोध करना चाहूँगा कि आज आपके दाएं और बाएं और आपकी आंख के सामने ये जो बड़े बड़े महल बने हुए हैं, इन महलों में बैठने वाले लोग हमारी किस्मत का फैसला करते हैं, लेकिन जो लोग इन महलों में बैठते हैं वो हमारे हमदर्द नहीं है, जिन्हें हमारी समस्याओं का ज्ञान नहीं है। और यही एक कारण है किसान के गन्ने के दाम नहीं बढ़े, मजदूर की मजदूरी नहीं बढ़ी, लेकिन चीनी आसमान को छूती जा रही है। किसान के नरमे कपास के दाम नहीं बढ़े, तेलों के बीजों के दाम नहीं बढ़े, तेल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, घी के दाम बढ़ते जा रहे हैं, कपड़े के दाम बढ़ते जा रहे हैं, मजदूर की मजदूरी नहीं बढ़ी, सीमेंट के दाम बढ़ रहे हैं, इंजन के दाम बढ़ रहे हैं, ट्रैक्टर के दाम बढ़ रहे हैं, मोटरसाइकिल स्कूटर के दाम बढ़ रहे हैं, खाद के दाम बढ़ रहे हैं, कीड़े मार दवाओं के दाम बढ़ रहे हैं, जरूरियात जिंदगी की उन सब चीजों के दाम बढ़ते जा रहे हैं जो मशीनों से पैदा होती है, और हर उस चीज के दाम कम होते जा रहे हैं जो हम अपना पसीना बहा करके धरती माँ का सीना चीर करके पैदा करते हैं। इसलिए मैं किसान साथियों से अनुरोध करना चाहूँगा, आज की कांग्रेस सरकार का मुखिया राजीव गांधी हर सतर पर फेल हो चुका है, चाहे वो आर्थिक मामला है, चाहे वो सामाजिक मामला है, चाहे वो राजनीतिक मामला है, चाहे वो देश का आर्थिक मामला है, आंतरिक मामला है, और चाहे वो विदेशी नीति है, आज सारे